आज हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में ये पहचानेंगे कि कैसे किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को पहचान पाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये भी हम जानें कि आखिर किसी भी रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बता पाएंगे कि वो रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। और साथ ही साथ जब आप रिडॉक्स रिएक्शन बता पाइएगा तो फिर आप ये भी बता पाइएगा कि उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। देखिए, हमारे पास एक रिएक्शन है, जेडिन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट CuSO4 एंड इट गिव्स ZnSO4 जिंक सल्फेट एंड कॉपर। अब आपको ये बताना है कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्या। तो देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें जितने भी आप देख पा रहे हैं एटम, सभी के ऊपर इनके ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो जेडेन है ये फ्री स्टेट में है, किसी के साथ कंबाइन नहीं है। और रूल में हमने जाना है कि कोई भी अगर एलिमेंट के एटम फ्री स्टेट में हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसको थोड़ा ब्रेक करने आना चाहिए। अगर आप देखिएगा तो ये टूट के देगा Cu+2 और ये देगा SO4-2। अब देखिए, हमने आयंस के बारे में पढ़ा है कि आयंस के ऊपर जो भी चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो देखिए, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना होगा, +2 होगा। और पूरा सल्फेट आयन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना होगा, -2 होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप सल्फर का भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं इस वाले पार्ट से। उसी तरीके से इसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो ये भी आपको कुछ इसी तरीके से टूटेगा, Zn+2, और ये आपको क्या दे देगा, SO4-2। तो देखिए, जिस आयन पे जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहाँ Zn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और ये पूरा SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -2। और देखिए यहाँ पे फिर ये क्या है, ये फ्री स्टेट में है तो ये आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखिए, हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर लिया। अब ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के बाद क्या करना है वो अब देखते हैं। अब देखिए, हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कर लिया। अब आपको चेक करना है कि कोई जरूरी नहीं है कि सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर बदलेंगे ही बदलेंगे। तो देखिए, अगर हम जेडेन का ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं तो ये जेडेन इधर से इधर जा रहा है Zn SO4 में। और देखिए, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2 है। यानी यहाँ आप जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप चेक करना चाहते हैं किसका, कॉपर वाला चेक कर लीजिए। तो देखिए, अगर आप यहां से यहां देख रहे हैं तो देखिए, कॉपर का यहां ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। और ये किस में जा रहा है, ये आपको जा रहा है जीरो में। यानी आप यहां देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन बोल रहे हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में दोनों प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। यानी जेडिन का ऑक्सीडेशन Zn SO4 में हो रहा है और CuSO4 का रिडक्शन Cu में हो रहा है। तो क्या हम इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। तो देखिए, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन। याद रखिएगा, इसी तरीके से आपको सभी रिएक्शंस को देखना है कि कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स है और कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन होने के लिए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होना चाहिए। चाहे दो रिडक्शन हो, एक ऑक्सीडेशन हो तब भी चलेगा, चाहे दो ऑक्सीडेशन हो, दो रिडक्शन हो तब भी चलेगा, सिर्फ ऑक्सीडेशन हो और सिर्फ रिडक्शन हो तो रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग उसको नहीं बोलेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन होने के लिए आपको क्या होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन होना चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए।
तो हम वैसे रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो चलिए अब रिडॉक्स रिएक्शन अगर आपको पहचानने में आ गया तो चलिए एक क्वेश्चन फिर हम करते हैं और देखते हैं कि क्या हम रिडॉक्स रिएक्शन पहचान पा रहे हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिया, हमने क्या किया कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है क्या, तो हम चेक कर लेते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है क्या। सबसे पहले हमें इनमें कैल्शियम का और इनका कार्बोनेट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। देखिए आयनिक कंपाउंड है तो एक ब्रेक कर लीजिए, अगर दिक्कत होगा तो फिर हम लोग इसको सीख लेंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू होगा जबकि कार्बोनेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा माइनस टू होगा। अब देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का माइनस टू होगा तो इसका आप निकाल सकते हैं प्लस टू होगा, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का माइनस टू होगा तो इसका कितना होगा प्लस फोर होगा। अब देखिए यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको जानना पड़ेगा, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर x मान ले तो हम लिख सकते हैं x माइनस, और ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का माइनस टू होता है तो थ्री का कितना हो जाएगा माइनस सिक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस टू क्योंकि चार्ज है इसके ऊपर, तो x इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं सिक्स माइनस टू इक्वल्स टू फोर। तो देखिए इधर भी कार्बन पे प्लस फोर चार्ज आ रहा है और इधर भी कार्बन पे प्लस फोर चार्ज आ रहा है, इधर भी कैल्शियम पे प्लस टू, इधर भी कैल्शियम पे प्लस टू, इधर भी ऑक्सीजन पे माइनस टू और इधर भी ऑक्सीजन पे माइनस टू आ रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। अगर लेफ्ट साइड का ऑक्सीडेशन नंबर और राइट साइड का ऑक्सीडेशन नंबर अगर सेम हो तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोले, तो दिस इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, याद रखेंगे हम लोग। तो रिडॉक्स रिएक्शन आपको पहचान में आता है या नहीं आता, इसको कैसे करेंगे तो उसको इस मेथड से करेंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी केमिकल रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शन हो। तो इस तरीके से हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पहचानते हैं। अब आइए हम लोग सीखते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचानेंगे।